दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम सिंघाड़े के आटे के पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नवरात्रि चालू होने वाले हैं, सभी उपवास रहेंगे और ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। तो ये थोड़े से जीरे को भून करके इसका पाउडर बना लिया है, 3-4 आलू को बॉईल करके इसके छिलके उतार लिए हैं, और ये सिंघाड़ा का आटा, हरी मिर्ची और ये सेंधा नमक। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्ची ज्यादा ले सकते हैं या लाल मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और व्रत में आप अगर हरी धनिया खाते हैं तो उसको भी बारीक काट करके और इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। देखिए, एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम अपनी आलू डालेंगे और आलूओं को मैश कर लेंगे। देखिए आलू मैश हो गई है और हम इसमें डाल देंगे ये सिंघाड़े का आटा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें बिल्कुल भी। और हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, हरी मिर्ची और ये सेंधा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम ज्यादा। इनको सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारा मसाला इसमें अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे तेल चढ़ा दिया है और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम आटा डाल करके चेक करेंगे कि तेल गर्म हो गया है कि नहीं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, हमको इतना ही तेल गर्म चाहिए। अब हम गैस को थोड़ा सा मंदी कर देंगे क्योंकि हम पकौड़ी डालेंगे ना, ताकि अच्छे से सावधानी से डालें। अगर आपको इस तरीके से नहीं बन रहा है तो थोड़ा इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से गिर जाएगी, चम्मच से भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा पानी ज्यादा डाल देंगे तो चम्मच से बन जाएगा। डालते हम हाथ से ही तोड़ रही हूँ। थोड़ा सा हम गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इनको पलट देंगे। बहुत से लोग 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं और आजकल की भागम भाग की जिंदगी में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो जैसे सुबह आपको ड्यूटी जाना है तो आप इसको आलू को रात को उबाल करके रख दीजिए और सुबह बस इसको मिलाए और ये फटाफट बन जाती है बहुत जल्दी, और खा लीजिए और इसको ले भी जा सकते हैं टिफिन में भी। ये हमारे सिंघाड़े के आटे के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। बनाने में ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।